यो गाइस इट्स मी स्पाइन। तो गाइस आज अपन खेलने वाले एक जबरदस्त गेम प्ले, जिसमें भाई अपन खेलने वाले फ्री फायर का भाई कस्टम, वो भी एक लेजेंड अखंड पीरो प्लेयर भाई द गेमर बॉय भाई, जो कि बहुत ही जबरदस्त खेलता है भाई। इसने तो भाई मतलब हर सीजन में हीरोइक पार कर चुका है भाई ये बंदा, और अपन तो भाई गोल्ड से ऊपर जा नहीं पाते अभी, गोल्ड में अपन। तो भाई देखते हैं कितना जबरदस्त गेम होने वाला, क्योंकि मुझको लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त गेम होने वाला है। और भाई मैं यहाँ पर देखो कोशिश ये करूँगा, क्योंकि सामने वाला बंदा एक अखंड लेजेंड प्लेयर है, तो मैं कोशिश ये करूंगा भाई ज्यादातर मैच मैं जीतूं। और भाई देखो स्पायन वैसे तो बहुत से चैलेंजेस लेते हैं, कुछ चैलेंजेस हारता भी है, लेकिन यहाँ पर भाई पहला ही डैमेज देते हुए थॉम्सन लेके अपन खेल रहे हैं। ओ भाई यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर पहली विक्ट्री हो चुकी। देखो गाइस यहाँ पर कोशिश मैं करूँगा कि सामने वाले बंदे को ज़्यादातर मैचेस में हराऊँ, क्योंकि भाई अगर भाई मतलब ज़्यादा नहीं हरा पाऊँगा तो मुझको सीरियसली बता रहा हूँ मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि भाई सामने एक प्रो प्लेयर है और अपन है ठहरे नूब, तो नूब टू प्रो का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मैच होने वाला है यहाँ पर, और होना स्टार्ट हो भी चुका है। तो गाइस चलो चलते यहाँ पर, अपन ने भाई कैरी करेक्टर लिया और भाई एक जबरदस्त बंडल के साथ पंख लगाते हुए भाई पापा की परी को भेज दिया है भाई मैदानी जंग में। और भाई यहाँ पर पापा की परी भी ये साबित करेगी कि हम परी हैं तो क्या हो गया, हम उड़ भी सकते हैं और उड़ने के साथ साथ गन भी चला सकते हैं, वो भी M1887 प्लस थॉम्सन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर भाई एयर ड्रॉप गिर चुका है, यहाँ पर ब्लू वॉल और ग्रेनाइड भी मिल चुका है, तो ग्रेनाइड फिलहाल तो अपन यूज नहीं करेंगे, बट भाई ग्लू वॉल है काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त सीन होने वाला है ग्लू वॉल, क्योंकि भाई अपन के पास है अनलिमिटेड ग्लू वॉल। और भाई यही तो मैच का मज़ा है भाई कस्टम का, कि यहाँ पर अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिलता है। और भाई सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से भाई ग्लू वॉल लगा रहा है, और मैं भी मतलब अगर नेट सही चलता है तो भाई ग्लू वॉल लग गया तो, ओ भाई यहाँ पर देख सकते हो हेड पड़ा था काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त लगा था, और कोशिश तो करूँगा यार देखो, लेकिन नेट भी सही से नहीं चलता, एक ही बार पिंग हाई हो जाता है जिसकी वजह से खेलने में दिक्कत होता है। और ग्लू वॉल देखो अगर नेट सही चल रहा है तो ग्लू वॉल टाइम पर लगता है, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं यार। और देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, पहला में तो चलो सामने वाले ने मुझको मतलब चांस दे दिया जीतने का, अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और भाई साहब यहाँ पर दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब देखते हैं भाई वहाँ पर देखो सामने वाले एकदम से ग्लू वॉल लगाया जा रहा है, अपन भी एकदम से ग्लू वॉल लगाया जा रहा है। देखो गाइस मेरा मानना है गेम का मकसद ये होता है कि भाई देखो सामने वाले को मारना है और आपको बचना है, हमको देखो मारने ज़्यादा बचने पर ध्यान है, क्योंकि भाई देखो अगर बंदे को नहीं मार पाते तो पॉइंट ये होता है कि भाई अपन दोबारा से मार सकते हैं, लेकिन अगर हम ही पीट गए तो भाई दोबारा से कैसे मारेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैंक करने की कोशिश करते हैं, ग्रेनाइड सामने वाले लगेगा कि ग्रेनाइड फेंक रहे हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं है भाई, गेमर भाई काफ़ी अच्छे बंदे हैं भाई और काफ़ी बेहतर खेलते हैं मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा। और भाई कई बार इन्होंने मतलब अकेले पूरे के पूरे स्क्वाड को हराने का मतलब चैलेंज लिया है, हरा के भी दिखाया भाई, बट यहाँ पर स्पाय हैनो खेल रहे वो भाई स्पाय हैनो खेल रहे वो भी चैलेंजेस का, देख सकते हो भाई कितना तेज ग्लू वॉल। और भाई मेरे एम सही से नहीं बैठता, दिक्कत ही है भाई एम सही से नहीं बैठ रहा यार, जिसकी वजह से सही शॉट खेल नहीं पा रहा हूँ। और वो भाई यहाँ पर और भाई देख सकते हो एक पल में मतलब जैसे ही निकल रहा एकदम ग्लू वॉल, ओ भाई 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 बढ़िया, लेकिन यहाँ पर मैं भाई देखो मारने से ज़्यादा बचने पर ध्यान दिया हूँ, जिसकी वजह से मारते ही मैं ग्लू वॉल लगा दे रहा हूँ, जिसका थोड़ा सा डैमेज हो रहा है भाई, वो प्रोटेक्ट हो जा रहा है डैमेज भाई। वो भाई 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 काफ़ी ज़्यादा बेहतर सीन देख सकते हैं, कितना जबरदस्त गेम प्ले चल रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब अब यहाँ पर देखो भाई फंस गया हूँ मैं भी, वो भाई यहाँ पर कोई नहीं है यार, मैं जोन में मत मर जाऊँ, क्योंकि भाई देखो कई बार ऐसा होता है मैं जोन में ही फिर जाता हूँ। और यहाँ पर एक फास्ट ग्लू वॉल लगाते हैं, ओ भाई साहब यहाँ पर एक और विक्ट्री हो चुकी है, और भाई यहाँ पर लगातार तीन बार जीत चुके हैं। और देखो भाई यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में बोल दिया तो कोशिश करेंगे ज़्यादातर मैच हम ही जीते, और अगर ये हो गया यार 7-0 किल हो जाए, मतलब भाई एक बंदा मतलब एक बार भी वो किल नहीं निकाल पाता है ना सामने वाला बंदा, तो भाई अपन तो लेजेंड कहलाने वाले हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, अपन कोशिश करेंगे जबरदस्त खेलने का, और भाई क्यों नहीं करेंगे कोशिश करेंगे यार। तो यहाँ पर देखते हैं सामने वाला बंदा कहाँ है, मुझको फिलहाल नहीं दिख रहा है भाई। और ये विंग देखो मैं विंग ले तो लिया यार कि चलो कुछ नया मिला है, तो भाई ओ भाई बंदा यहाँ पर, तो भाई ओ भाई एम ही नहीं बैठ रहा यार, ये क्या तमाशा है। देखो भाई देखो पॉइंट ये सामने वाला मतलब मैं ले लिया यार विंग को, चलो अच्छा दिख रहा है नया पंख पंख पंछी बने उड़ता चलो ऐसा सॉन्ग गाते फिरेगी चली, बट यार यहाँ पर मुझको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो भाई मतलब ठीक है इतने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है, बट यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। और जो बंडल मैंने पहनाया ना भाई दुल्हन के लिबास वाला बंडल काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो
ओ भाई भाई भाई, भाई यहाँ पर से अपन स्ट्रेटेजी। ओ भाई 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 भाई, अरे अरे ग्लू वॉल लग जा भाई, समय पे ग्लू वॉल लग, अरे ग्लू वॉल लगा ही नहीं भाई, ये क्या था बस है, ग्लू वॉल लगा ही नहीं। ओ भाई ये क्या हो गया था भाई, अरे क्या हो रहा है भाई, रुक गया था थोड़ा सा, ग्लू वॉल लगाया तो भाई 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 ये, अरे यार ग्लू वॉल लग क्यों नहीं रहे भाई, ये क्या था बस है, ग्लू वॉल लग ही नहीं रही, यहाँ पर ग्लू वॉल लग चुका है। और भाई यहाँ पर जबरदस्त किलो, और मैं जोन में मत मर जाऊँ, जोन में मत मर जाओ, क्योंकि मैं अक्सर, ओ भाई ग्लू वॉल कहाँ लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ओ भाई थोड़ा सा ही हेल्थ बचा है, और यहाँ पर ग्लू वॉल लगाते हुए अपने वो काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, पूरा गिर चुका हूँ मैं, यहाँ पर जोन में ना मर जाऊँ। और यहाँ पर देखो अब मुझको पहले मेडी मारने की कोशिश करना, ओ भाई भाई मैं निकला क्यों, मेडी मार लेना था यार, अरे भाई पीट गया मैं, मेडी मार लेना था मुझको पहले, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था यार, बचने की देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, बट भाई अब अपन जीतने की फुल, क्योंकि भाई देखो मैं थोड़ा सा हल्के में ले रहा था, क्योंकि मैंने 3 राउंड निकाला था यार वो भी लगातार, तो मैं थोड़ा हल्के में ले रहा था, बट भाई गेमर भाई तो गेमर ही है, काफ़ी ज़्यादा प्रो प्लेयर की तरह खेलेंगे और मुझको आसानी से हरा देंगे, इसलिए भाई मैं कोशिश करता हूँ बेहतर खेलने की। और यहाँ पर देखते हैं भाई बंदे कहाँ, यहाँ पर थोड़ा घूम के जाते हैं अपन, पहले हम देखेंगे कि वो किधर है, किस तरह से वो आ रहे हैं किस, ओ भाई भाई भाई, ओ भाई ये क्या हो गया, हुआ क्या भाई, मैं ऐसे ही कैसे जीत गया, गेमर भाई क्या हो गया भाई भाई भाई, ओ अच्छा अच्छा भाई, अच्छा ये पॉइंट भाई वो क्या बोलते हैं एयर ड्रॉप के नीचे आ गए थे भाई, गेमर भाई एयर ड्रॉप के नीचे आ गए थे इस वजह से क्या बोलते हैं, हाँ तो भाई देखो 1 राउंड चल निकल गए जी पी जी, कोई ना अपन कोशिश करेंगे भाई जीतने की, कोई देखो किस्मत लगता है आज ऊपर वाला भी हमारे साथ है, ये बोल सकते हो क्यों गेमर भाई, कि देखो ऊपर वाला भी हमारे साथ है, और यहाँ पर डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ, चलो कोई ना, वैसे भी ज़्यादातर राउंड मैं निकाला, देखो 1 राउंड मैं पीटा हूँ, 1 राउंड गेमर भाई पीटे हैं, अब भाई हिसाब बराबर है, क्योंकि बाकी लेवल को तो मैं सही सही खेला हूँ अपने, मतलब कोई चीटिंग वीटिंग नहीं किया, ना ही कोई इतफाक था भाई, अपने गेम प्ले के दम पे खेला। ओ भाई 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 यहाँ पर देख सकते हो ग्लू वॉल काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, देखो ग्लू वॉल ही मतलब कस्टम का रियल गेम है यार, ओ भाई हेड पे हेड लगा यार, फिर भी बंदा डैमेज नहीं हुआ, अरे यार संजीवनी बूटी खा के बैठे हो क्या, ओ भाई साहब इसे बोलते हैं क्लीन एंड क्लियर। और यहाँ पर 5वां राउंड निकल चुका है भाई लोग, तो क्या अपन जीत पाएंगे कि नहीं, देखो कमेंट करो भाई, मुझको पता है तुम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन देखो यार यहाँ पर थोड़ा घूमते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर और कुछ ले लेते हैं, थोड़ा सा लैगी टाइप का चला यार यहाँ पर, थोड़ा सा लैग किया भाई, देखो भाई गेम प्ले में हक मत दे यार, ये नहीं समझ नहीं आ रहा यार, देखो लैगी कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पिछले बार गेमर भाई एयर ड्रॉप के नीचे आ गए थे, यहाँ पर ग्लू वॉल देना है क्योंकि उनके पास ग्लू वॉल नहीं है, मैं ग्लू वॉल दे देता हूँ पहले, देखो भाई गेम मुकाबले का होना चाहिए यार, ऐसा भी नहीं कि चीटिंग करो या फिर सामने वाला को चांस ही नहीं होता, इसलिए मैं ग्लू वॉल दे देता हूँ यार, और यहाँ पर ग्लू वॉल दे चुका हूँ, और यहाँ पर अब ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगाते हुए गेमर भाई, ओ भाई मुझको डैमेज पहुँचा दिए, और यहाँ पर ओ भाई हेड पे हेड पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहे हो यार सामने वाले बंदे को, बट पता नहीं क्यों मर ही नहीं रहे, अरे यार एम ही नहीं चिपका, देख सकते हो यार कई बार एम ही नहीं चिपक रहा है, गन से गोली ही निकल रहा है, ये क्या ये बड़ा तमाशा हो जाता है कभी, ओ भाई भाई हेड पड़ा था यार, मैं देखो डैमेज बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, थोड़ा सही है, और यहाँ पर भाई ओ भाई ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर सामने वाला गेमर भाई काफ़ी ज़्यादा ऑसम गेम प्ले दिखाते हैं, और मैं भी मारने की नाकाम कोशिश करती हूँ, यहाँ पर हेड पड़ा, और यहाँ पर अब लास्ट चांस है यार, थोड़ा सा देखते हैं, वो शायद मैडी मार रहे होंगे, चलो हम रश कर देते हैं, अरे ओ भाई साहब क्या ग्लू वॉल लगाया, ओ भाई थोड़ा सा डैमेज मतलब इतना ज़्यादा, ओ डर लग जाता है यार, हार मत जम के कर, ओ भाई जोन में ही मर गया यार, पीट गया मैं, ओ भाई सामने वाले गेमर भाई लगता है, कोई ना होता है, अभी हमारे पास कुछ और राउंडेज बचे, कुछ और राउंड बचे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझको काफ़ी ज़्यादा कॉइन था यार मेरे पास, क्योंकि मैं यूज नहीं कर रहा था लंबे समय तक, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉइन था, तो मैंने कॉइन ले लिया है, और अब देखते हैं भाई सामने वाले बंदा फुल जोश में भाई, अब गेमर भाई भी जोश में आ चुके हैं, और भाई हराने के, कि भाई स्पाई इनको तो आज हरा के जाना है, रुला के जाना है, और भाई मैं भाई मुझसे ना हो पाएगा ये गाना गवा के जाना है, ऐसे ही सोच के गेमर भाई आए हैं, और भाई यहाँ पर उसका उनकी सोच का उल्टा होने वाला है ऐसा मैं सोचता हूँ भाई, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर तो भाई डैमेज पड़ा, और इस बार ध्यान देना कि जोन के ज़्यादा पास नहीं जाना है, या तो जोन आने से पहले ही गेम ख़त्म कर देना है, या फिर भाई जोन आया तो भाई कट लो यहाँ से, कट लो निकल लो भाई, भग लो जो करना है करो, लेकिन भाई जोन के पास मत रहो वरना आप पिट जाओगे। और यहाँ पर सामने पता नहीं यार समझ नहीं यार कौन सा गन रखे हैं वो,
ओ भाई हेड पड़ा था इस बार, तो हेड पड़ा था देखो भाई। लेकिन थॉमसन और M1887 का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। और हाँ भाई देखो, वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई देखो, ये वीडियो मतलब थोड़ी सी लंबी बनी है, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई। देखो मैं छोटा बनाने का बहुत कोशिश किया बट नहीं बन पाया। और भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से हाईलाइट टाइप का बना देता है, तो उस लेवल का मज़ा नहीं आता है जिस लेवल का मज़ा शायद आपको इस गेम में आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लियर पता चल रहा है भी कि गेम क्या है, काफ़ी ज़्यादा रोमांचक चल रहा है। ए ओ भाई भाई भाई, ओ भाई हेड पड़ा था। देखो भाई आपको बचने, ओ भाई फिर जोन के पीछे, अरे भग भग भग, ओ भाई फंस गया मैं, मस गया फंस गया। अरे भाई जल्दी निकल, जल्दी निकल, घूम के जाना। ओ भाई साहब ये भी नहीं चिपका, और यहाँ पे घूम के जाने की नाकाम कोशिश। अब ये देखिए, ओ भाई गेमर भाई कहाँ से आ रहे हैं, अरे कहाँ है गेमर भाई। ओ भाई, ओ भाई दोनों मरे, फिर भी विक्ट्री मेरी। देख सकते हो यहाँ पर मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा था। और देखो यहाँ पर आज सभी लोग किस्मत जो है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही मेहरबान है। अब देखो भाई, ये कोई कॉन्सेप्टेड मैच नहीं था, और अगर जिसको मानना है मान सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही मरे यार। अब मुझको नहीं पता था यार गेमर भाई का हेल्थ क्या है कैसा है, बट यहाँ पर विक्ट्री मुझको मिली। तो भाई ये समझ सकते कि आज मैंने सोचा कि भाई एक ज़बरदस्त गेम प्ले बनाना है, तो चलो मैं कस्टम खेलता हूँ, और कस्टम खेलते हैं एक लेजेंड प्लेयर के साथ, और भाई लेजेंड प्लेयर को बुरी तरह से हराने वाले हैं। और भाई ये मैच बिल्कुल मतलब वैसे हुआ जैसे मैं सोचा, और यहाँ पर किस्मत ने फुल टू साथ दिया भाई मेरा। और यहाँ पर भाई सामने वाले बंदे को डैमेज पहुँचाते हुए, और भाई इस बार लास्ट राउंड है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर फुल जीतने की कोशिश करेंगे। अब देखना, अब मैं नहीं मरना चाहता एक बार भी। और देखो ये पंख ऐसा है, दीवार के पीछे आप छुपोगे तो भाई ये दिखता है यार कि छिपा हुआ है बंदा, मतलब ये तो आपको ऐसे ही हरा देगा। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है यार। वो भाई ग्लू वॉल काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है देख सकते। और यहाँ पर देखो इतना तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार इतना ज़बरदस्त ग्लू वॉल लग रहा है यार, वरना तो देखो इंटरनेट ग्लिच होते रहता है। और यहाँ पर सामने वाला बंदा, ओ भाई साहब क्या तेज़ी से निकले देख सकते हो, वो एकदम तेज़ी से आए भाई। और यहाँ पर देखते हैं और पीछे से आ गए, अरे भाई क्या ही खेल रहे हैं गेमर भाई, मतलब एकदम से हैकर भाई, प्ले लाइक हैकर, कभी इधर से आ रहे हैं कभी उधर से आ जा रहे हैं। लेकिन अब अपन भी हैकर की तरह खेलना शुरू करते हैं। साइड में भाई गेमर भाई यहाँ पर छिपने कोई मतलब नहीं भाई, वो मुझको देख ही रहे होंगे ये इधर। ओ भाई हेड पड़ा देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेड पड़ा। और ये भाई बुया, इसी बात पर वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर फाइनली अपने बुया ले चुका है भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलेंगे ऐसे ही बकवास से भरे उसके साथ।